नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, सिलक्यारा टनल में बचाव कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कुछ लोग कहेंगे अंत भला तो सब भला, लेकिन सिलक्यारा बारकोट टनल अपने पीछे और आगे कुछ सवाल छोड़ गई है, जिसका रेड ओवर ग्रीन जवाब चाहता है। मेरे हाथों में भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की 20 फरवरी 2018 की ये प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें लिखा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने सिलक्यारा बारकोट टनल चार धाम प्रोजेक्ट के नीचे बनाने की मंजूरी दी है और इस टनल के साथ साथ एक स्केप पैसेज भी बनाया जाएगा। इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की होगी, यानी NHIDCL। जब साफ शब्दों में लिखा है कि टनल के साथ साथ एक स्केप पैसेज बनाया जाएगा, तो रेड ओवर ग्रीन जानना चाहता है कि सिलक्यारा बारकोट टनल, जिसका काम लगभग 90% खत्म हो चुका है, इसमें स्केप पैसेज क्यों नहीं बना। NHIDCL और टनल के कॉन्ट्रैक्टर नव युग इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इन दोनों में से कौन जिम्मेदार है जिसने स्केप पैसेज नहीं बनाया, जिसकी वजह से हमने 41 जिंदगियों को जिंदगी और मौत के बीच झूलते 17 दिनों तक देखा। उम्मीद है कि अब इस पर सघन इन्वेस्टिगेशन होगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा सवाल यह है कि हम हिमालय क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं को देख रहे हैं। हिमालय क्षेत्र अस्थिर क्षेत्रों में आता है। हिमालय पर्वत अपेक्षाकृत नए और यंग हैं। इनकी मिट्टी, इनकी शिलाएं, इनके रॉक स्ट्रक्चर, इनकी जियोलॉजी, ये सारी अनस्टेबल है। क्या ये क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के टेम्पलेट को लेकर बेयर करने की क्षमता रखते हैं? बीच बीच में हिमालय क्षेत्र से हमें भूस्खलन, भूमि का दबाव और बाढ़, झीलों का फटना, ये आदि आदि समस्याएं सुनाई देती हैं, लेकिन उसके बाद भी हम बेधड़क इन पर कार्य कर रहे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सड़कें, पुल, सुरंगें, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीजें, ऐसा लगता है कि हम हिमालय क्षेत्र की जो सेंसिटिविटी है उसको नजरअंदाज करके कार्य कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? बीच बीच में कई पर्यावरण विद और बिठाई गई कमेटियों की रिपोर्ट भी आती है जो कहती है कि हिमालय क्षेत्र में आपको इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। अब ये वक्त आ गया है, अगर हम सिलक्यारा टनल ट्रेजेडी को आखिरी वार्निंग मानते हैं, तो अब हमें अपने सारे परियोजनाओं की पुनर्निरीक्षण करना चाहिए। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक ये जरूरी है, क्योंकि ये देश की इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट्री और साथ में उन प्रदेशों में रहने वाले सभी लोगों की जीवन से जुड़ी हुई बात है। तीसरा सवाल ये है कि जब कोई विपदा आती है तो हम सशस्त्र सेनाओं को याद करते हैं। भारतीय वायुसेना से मशीन आ रही है, भारतीय सेना वहां पर कार्य के लिए आखिरी क्षणों में बुलाई जा रही है, तो फिर NDRF, SDRF ये जो ऑर्गेनाइजेशन है,
इनका मुखिया भारतीय सेना का कोर ऑफ इंजीनियर का ऑफिसर क्यों नहीं होता? डायरेक्टर जनरल एनडीआरएफ कोई सेरिमोनियल पोस्ट नहीं है, इसमें उस व्यक्ति को बैठना चाहिए जिसके पास जमीन से जुड़ा अनुभव हो, फील्ड फोर्टिफिकेशंस, एक्सप्लोजिव हैंडलिंग, वाटरमैनशिप, पहाड़ों में कार्य करने का अनुभव, रेगिस्तान में कार्य करने का अनुभव, मैदानी क्षेत्रों में काम करने का अनुभव, नदियों के साथ काम करने का अनुभव। उस आदमी को इस डायरेक्टरशिप से क्यों वंचित रखा जाता है? रेड ओवर ग्रीन ये सुझाव देता है भारत सरकार को कि डायरेक्टर जनरल एनडीआरएफ भारतीय सेना का कोर ऑफ इंजीनियर का जनरल ऑफिसर होना चाहिए, और साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में भारतीय सेना के ऑफिसर्स, जेसीओ और जवान डेप्यूटेशन पे जाने चाहिए ताकि इन ऑर्गेनाइजेशन की गुणवत्ता और कार्यशैली में एक सुधार आए। आपको यह सुझाव कैसा लगा है लिख के बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।